जहानाबाद सदर अस्पताल अब प्राइवेट क्लिनिक की तरह काम करने लगा है। सुविधाओं के हिसाब से नहीं, जेब से पैसे ऐंठने के हिसाब से। ये हम नहीं कह रहे, ये जहानाबाद सदर अस्पताल में प्रसव के लिए पहुंची मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, ये गंभीर आरोप है। आप खुद सुनिए मरीज के परिजन का क्या कहना है। तीन रोज से यहाँ भर्ती हम किए हुए थे और कल है परसों भेजा गया कि जाइए नहा धोवा के घर से ले आइएगा तो ऑपरेशन। कल लाए तो यहाँ हम नहीं थे, मेरा लड़का रोगी था तो कहेंगे जल्दी ऑपरेशन करवाइए ऑपरेशन। वो कोई रिलेशन वाला आया से कहे कि बड़ा ऑपरेशन हम नहीं करवाएंगे, चलिए चलिए नॉर्मल ऑपरेशन में हो जाएगा। दरअसल मरीज के परिजन उसके प्रसव पीड़ा के शुरू होने के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की और फिर मरीज के परिजन को सलाह दी कि मरीज को घर ले जाएं, नहला धुला कर लाएं और फिर उसका ऑपरेशन कराया जाएगा। इतने में परिजनों के एक और जानकार अस्पताल पहुंचे और उन्होंने सलाह दी कि यहाँ डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं करते, प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जाना चाहिए। रिश्तेदार की सलाह मानकर परिजन मरीज को प्राइवेट क्लिनिक में ले गए। वहाँ भी बड़े ऑपरेशन से प्रसव की सलाह दी गई, जिसके बाद परिजनों को लगा कि प्राइवेट क्लिनिक वाले उनका आर्थिक शोषण कर लेंगे। वो फिर सदर अस्पताल में इस उम्मीद के साथ पहुँचे कि यहाँ तो निःशुल्क सेवा मिलेगी और उन्हें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, उन्हें इस बात को जानकर निराशा हुई कि डॉक्टर बिना पैसे लिए इलाज के लिए तैयार नहीं है। परिजनों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब वो दोबारा अपने मरीज को प्रसव के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां स्टाफ ने उनसे पैसे की मांग की और कहा कि जब तक 3,000 रुपये नहीं दोगे तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होगा। मरता क्या न करता, परिजन ने किसी तरह से 3,000 रुपये स्टाफ को दिए, जिसके बाद उसके मरीज का इलाज किया जा सका। प्राइवेट में ले गए, पानी उनी चढ़वाया तो वो कहे कि नहीं बड़ा ऑपरेशन होगा, तो हम वहाँ से लेके फिर चल आए। अब आए तो यही कहते हैं कि नहीं अब डॉक्टर साहब नहीं करेंगे, से ले जाओ जहाँ ले जाना है। हम बड़ी घिघियाए तो कहे कि 3,000 रुपया मांगे थे तुम्हें, से जब हो तब हो जाते 3,000 रुपया मांगे थे तुम्हें, से जब हो तब हो जाते 3,000 रुपया मांगे थे तुम्हें, से जब हो तब हो जाते। तो हम गस लिए फिर जाके बाहर ऑपरेशन जब हो गया तो हम बाहर बैठल थे तो गए कहन के लाओ, हम दे दिए 3,000 रुपया निकाल के 600 500 की। कौन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ? सदर में, सरकारी ना है, सदर अस्पताल जहानाबाद में। हाँ। कौन आपसे पैसा लिया है उसका नाम जानते हैं आप? पूरा के कहीं उषा या कुछ पूरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर पूरा के वो रखते हैं, वार्ड के इंचार्ज हैं, उनका नाम है उषा। वही पैसा लिए हैं? हाँ। कितना पैसा लिए हैं? 3,000। रोगी के लेके तो वहाँ से करके दवाई बाहर से निकल, दवाई वाई आए तो प्रेशर हो निकल, रोगी तक 3,000 रुपया लेके आओ कहते ना तो कि कहाँ आता नहीं से वातावरण करके पैसा ले ले। तो हमने हला उला कहीं कि सरकारी ने पैसा कुछ के लगा है, गरीब लिए ना इतना पैथी हुआ है, साधन बनल है। अब बोल कि से अब पैसा न लेबे तो रेफर करवा दे यहाँ से, तो रेफर करवा दे तो नाम है पैसा आगे नाम न लिया कि पैसा हमारा दे ले। बेहद ही संगीन मामला है ये। इस मामले को जब CS के संज्ञान में लाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या है ये, तो उन्होंने भी कहा कि मामला गंभीर है, यहाँ निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, अगर पैसे लेने की बात सामने आई है तो वो जांच कराएंगे और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये जो अब जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, इसका हम तहकीकात करेंगे, जाएंगे तब तक देखेंगे है ना स्थिति क्या है। जिन लोगों ने ऐसा किया उसके साथ क्या, उसके साथ कार्रवाई किया जाएगा,
ओके तो ये तो निःशुल्क अस्पताल है, यहाँ पर तो किसी तरह का मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक उषा नाम की एनएम का नाम आ रहा है, देख लेते हैं हम उसको, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। कार्रवाई की बात तो अक्सर की जाती है लेकिन शायद ही कभी किसी आरोप की जांच होती है और उस पर किसी स्टाफ पर कोई कार्रवाई होती है। व्यवस्था ऐसी ही चली आ रही है। मरीज के परिजन पैसा दे चुके हैं, अब उन्हें वापस मिलने वाला नहीं है। वो फिर दोबारा अस्पताल तभी आएंगे जब इलाज की ज़रूरत होगी। किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इससे न मरीज़ के परिजनों को फ़र्क पड़ता है, न स्टाफ को, न CS को शायद। तभी तो अस्पताल बदनामी झेलता रहा है और इसी तरह से काम चलता रहा है। जहानाबाद न्यूज़ के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट।